हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट है और इसे मैंने 14 इंच के पॉट में ग्रो किया है। 14 इंच का पॉट इसे इसलिए सिलेक्ट किए हैं ताकि इसमें कई प्लांट जो है लगाया जा सके। मैंने इसमें जो भी प्लांट लगाया है वो कटिंग से ही लगाया है। इसमें कुल 8 कटिंग है और जो सबसे ऊपर लगा है, फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, फिर सबसे ऊपर और लेफ्ट साइड के बीच में एक कटिंग और सबसे ऊपर और राइट साइड में एक कटिंग। ठीक वैसे ही यहाँ भी सबसे नीचे और लेफ्ट साइड में एक कटिंग और फिर सबसे नीचे और लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक कटिंग। तो इस तरीके से कुल 8 जो कटिंग हमने लगाया हुआ था और 8ों का जो कटिंग हमारी है वो लगभग जो है सक्सेसफुल हुई है। और शायद हो सका है एक आध कटिंग फेल्योर भी हो गया हो, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है। और इसमें जो है अभी और कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इतने में ही ये काफ़ी बुशी हो गया है। और देख सकते हैं कि ये मेरे प्लांट के लीफ जो है काफ़ी बड़े बड़े ऊपर आ रहे हैं, काफ़ी बड़े और अच्छे। और इसके लीफ जो है देख सकते हैं कि ये बर्न हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तेज़ धूप की वजह से इसके लीफ जो है बर्न हो गए हैं। मैंने इसे थोड़ा शेड में रखा था, लेकिन फिर भी हमारे घर में बहुत अच्छी खासी धूप आती है, इस वजह से कहीं ना कहीं इस प्लांट को डायरेक्ट जो है सन के कांटेक्ट में आ जाता है और इसे काफ़ी तेज़ जो है धूप मिल जाता है और जिसकी वजह से ये जो लीव्स हैं वो बर्न हो गई हैं। जब थोड़ा और बर्न हो जाएंगी तो हम उसे लीव्स हटा देंगे, क्योंकि अगर अभी हमने हटा दिया ये लीव्स जो है तो यहाँ पूरा खाली हो जाएगा, यहाँ पूरा खाली हो जाएगा। हालांकि जो बर्न हो गया अब ये पूरा ये फिर से सही तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ समय बाद हम इसे हटाएंगे। और इसके लिए जो मिट्टी मैंने तैयार किया है वो 30% मिट्टी, 30% खाद कोई भी हो, पत्तियों की खाद, घर पे बनाए हुआ खाद, गोबर की खाद, केचुए की खाद, कोई भी खाद हो। तो 30% मिट्टी, 30% खाद, 20% कंस्ट्रक्शन सैंड जो मोरम बालू होता है वो इसमें यूज करेंगे और 20% कोकोपीट। तो इस तरीके से कुल 100% हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास राइस हस्क है तो जितना मोरंग बालू या फिर कोकोपीट डालते हैं यानी 20%, उतनी ही मात्रा में आप इसमें राइस हस्क डाल सकते हैं। राइस हस्क डालने से मिट्टी जो है, जो सॉइल इसका है, वो और वेल ड्रेन बनेगा। मैंने इसे लगभग एक साल से इस तरह की पॉटिंग सॉइल जो है हमने बनाया है सारे प्लांट्स के लिए, और सारे प्लांट्स जो है में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है आई है और ना ही जो ब्लॉकेज का वो ब्लॉकेज का भी कोई दिक्कत नहीं आया है। तो इस तरह से मैं पॉटिंग जो सॉइल है वो वेल ड्रेन बनती है और देख सकते हैं कि मेरा प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी है। और इसके जो स्टेम है देखिए, ये देखिए कितनी हेल्दी जो है स्टेम आएगी, काफ़ी मोटे। और जब इस टाइम हेल्दी रहेंगे तो लिप्स भी हेल्दी ही आएगी नीचे। और फिर क्या करेंगे, इसे ग्रो करने के लिए आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं और इसे मॉस स्टिक पे भी। हैंगिंग बास्केट में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगे और मॉस स्टिक पे भी, मॉस स्टिक पे मिखा से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मॉस स्टिक बनाने के लिए तो सबसे पहले आप जो है, आप दुकान से भी परचेज़ कर सकते हैं और आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाने के लिए आपके पास एक जूट की बोरी होनी चाहिए और उसे साइड से कट करके उस जूट की बोरी को फैला लीजिए। एक परत में जब आ जाएगा तो उस पर आप जो नारियल का छिलका है एक बराबर जो है बिछा लीजिए पूरे जूट की बोरी पर। बिछाने के बाद से आप एक हार्ड पाइप लेंगे, उस हार्ड पाइप के किनारे जो है एक बराबर जो है लपेट देंगे। लपेटने के बाद जो नरकुल का रस्सी होता है जिसको कि कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, उस रस्सी की सहायता से पूरे चारों तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बांध देंगे। बांधने के बाद जो है ये मॉस स्टिक जो है रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉस स्टिक जो है तैयार हो जाएगा। और मॉस स्टिक को मैंने बीच में लगाया हुआ है, ठीक बीचों बीच में। और ये देखिए, ये काफ़ी, आप जितनी हाइट रखना चाहते हैं मॉस स्टिक की उतनी हाइट आप जो है
रख सकते हैं। और इस मॉस स्टिक पे देखिए, अब चढ़ाते हुए मैंने यहाँ तक ले गया है, हम ले गए हैं। और इसके बाद से अगर ये बढ़ता भी है तो इसे वहीं से काट देंगे, और काटने के बाद से क्या होगा, नीचे से और भी ब्रांचेज निकलेंगी, ब्रांचेज निकलेंगी। जैसे जैसे ब्रांचेज निकलेंगी वैसे वैसे ही आप इसे सपोर्ट देते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मॉस स्टिक है ये पूरा ढक लेगा और ये काफ़ी जो है घना हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट को सेमी सेड में रखिए, सेमी सेड में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और जब अगर बहुत देर तक जो है तेज सनलाइट में रह जाए तो देख सकते हैं कि ये लीव्स जो है बर्न होने लगेंगे, देख सकते हैं कि ये ऐसे लीव्स जो है बर्न हो गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है सेमी सेड में रखिए, अगर मॉर्निंग में 3-4 घंटे की सनलाइट भी मिल जाती है तो इस प्लांट के लिए पर्याप्त है। इस प्लांट के लिए कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप महीने में एक बार भी फर्टिलाइज़र दे देंगे तो इसके लिए काफ़ी है। वैसे हम इसमें चावल के पानी का जो है बीच बीच में यूज करते ही रहते हैं, और सारे पानी का भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र की कोई खास आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो है आप जो है चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं, चाय पत्ती को यूज करने के लिए आप जो वेस्ट चाय पत्ती होती है उसे अच्छे से धुल लीजिए, धुलने से ये होगा कि उसमें जो शुगर और मिल्क कंटेंट है वो हट जाएंगे, और फिर उस चाय पत्ती को आप सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद से आप इसके टॉप लेयर पे छिड़क करके और इसे खुरपी की मदद से आप इसे मिला लेंगे। मिलाने से ये होगा कि ये सॉइल जो है थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, और जो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन हमसे ये हो नहीं पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो चावल का पानी है उसे 12:1 के रेशियो में मिला के इसमें देते हैं। 12:1 के रेशियो का मतलब है 12 यूनिट जो है नॉर्मल वाटर और 1 यूनिट जो है चावल का पानी। तो इस तरीके से इसमें बीच बीच में देते हैं, और बीच बीच में जो है वो नॉर्मल वाटरिंग भी करते हैं। वाटरिंग करने के लिए हम सबसे यहाँ से जो है ये वाटरिंग करते हैं, यहाँ से फिर पानी गिरते हुए नीचे जाता है, और इससे जो है सारे प्लांट्स को जो है सारे प्लांट्स को पानी मिलने लगता है। और बीच बीच में जो रूट दिख रही है आपको यहाँ पे, ये यहाँ से भी ये जो है पानी को एग्जॉर्ब करता है, और इससे प्लांट की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी रहती है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ऐसे ही लगाएंगे, जो बास्केट होगा उसमें जो है 8 कटिंग लगाएंगे। 8 कटिंग को जब लगने के बाद से जब वो हैंग करेगा तो काफ़ी देखने में खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, इस जो मनी प्लांट है इसमें देखने में, ये जो मनी प्लांट में वेरिएशन बहुत अच्छे से उभर कर आया है, और इसके लीफ जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े बड़े लीफ्स आ रहे हैं, स्टेम भी मोटी है, तो ये प्लांट जो है पूरी तरीके से हेल्दी है। इसके प्रोपेगेशन की बात करें तो इसका प्रोपेगेशन जो है बहुत ही इजी है। जो नोड एरिया है, नोड एरिया यानी जैसे ये है, यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे से काट करके आप इसे मिट्टी में ग्रो करेंगे, या तो मिट्टी में ग्रो करेंगे या फिर आप इसे पानी में ग्रो करेंगे। पानी में ग्रो करने के लिए फिर वही चीज़ है, यहाँ से कट करने के बाद आप इसे पानी में ग्रो करेंगे तो थोड़ा रूट निकल जाएगा, रूट निकलने के बाद आप इसे पॉट में ग्रो कर लीजिएगा। और एक तरीका और है कि जैसे कि अगर कोई स्टेम जो है काफ़ी लंबी हो गई है, लटक रही है, तो उसे बिना काटे मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी में दबाने के बाद कुछ ही दिनों में रूट डेवलप कर जाएगी, और फिर वहाँ नीचे से कट करके आप एक नया प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लांट को तैयार करना बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, ये जो मेरा मनी प्लांट है इसमें बीच बीच में बहुत ही खाली जगह दिख रहा है, तो अभी ये ग्रो कर रहा है, और जैसे जैसे अभी जैसे कि यहाँ पे अभी हम कट करेंगे, अब जब और बड़ा होगा यहाँ पे ये वाला एरिया जब और बड़ा होगा तो वहाँ से कट कर देंगे। करने के बाद से ये होगा, जो न्यूट्रिशन बचेगा वो नीचे से और भी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, तो फिर उसे जो है हम ऊपर की सहायता से ऊपर जो चढ़ाएंगे। ऊपर चढ़ाने के बाद ये धीरे धीरे ये पूरा मॉस स्टिक बिल्कुल छुप जाएगा, और केवल जो है इसमें पत्ती नज़र आएगी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मैंने इसे में सपोर्ट देने के लिए एक जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वायर, उसको मैंने यूज किया है। ये देखिए, एक कंस्ट्रक्शन में वायर यूज होता है, सरिये को बांधने के लिए यूज किया था, इसी वायर का हम यूज कर रहे हैं। इससे बांधना जो है बहुत इजी रहेगा, और जब जरूरत पड़े तब आप इसे खोल करके नए ब्रांच को इसमें लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये मेरा मनी प्लांट का जो है पौधा, ये कैसा लगा? अगर प्लांट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी नए प्लांट के साथ और उससे संबंधित नई जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।